नमस्कार, न्यूज क्लिक और कम्युनलिज्म कॉम्बैट की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दयामणि बारला, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता। झारखंड में इस वक्त क्या परिस्थिति है लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्ट्स को लेकर? झारखंड के आदिवासियों का अपना एक अलग इतिहास है। जल जंगल जमीन के बिना आदिवासी समाज जीवित नहीं रह सकता है, और ना आदिवासी समाज की भाषा और संस्कृति की कल्पना हम लोग जल जंगल जमीन के बगैर हम लोग कर सकते हैं। दूसरे समाज में जल जंगल जमीन एक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन झारखंड के आदिवासियों के लिए, आदिवासी समाज के लिए जल जंगल जमीन प्रॉपर्टी नहीं, हेरिटेज है। और उसी के की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ा, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहादत दिया। और शहादत देने के बाद अंग्रेजों ने ये महसूस किया था कि यहाँ के आदिवासियों का जल जंगल जमीन ही उनका भाषा और संस्कृति है। हमारी परंपरागत व्यवस्था थी जिसमें कि जमीन का टैक्स हमारे लोग नहीं देते थे। असली की सांप भालू बाघ से लड़के हमारे पूर्वजों ने जल जंगल जमीन को आबाद किया है, तो ये जल जंगल जमीन पर इनका खुटखटी राइट्स है। इसलिए अंग्रेजों ने जब यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स का कानून बनाया और वहाँ पर लैंड सेटलमेंट एक्ट चला, तो उस लैंड सेटलमेंट एक्ट का भी आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, सिद्धू कानू के नेतृत्व में विरोध किया। तो आदिवासी समाज का जो जमीन का अधिकार है उसको सुरक्षित रखने के लिए 1908 में CNT एक्ट बनाया, और उस CNT एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि आदिवासियों की जमीन को कोई भी बाहरी ताकत खरीद नहीं सकते हैं, और आदिवासियों की जमीन को कोई भी दूसरे के हाथ में बेच नहीं सकते हैं। एक बड़ा बैरियर की तरह वो बनाया गया। और संथाल परगना कश्तकारी अधिनियम में भी यही प्रावधान किया गया कि आदिवासियों की जमीन कोई भी बाहरी आदमी नहीं खरीद सकता है, कोई इलीगल तरीके से उस पर कब्जा भी नहीं कर सकता है। ये तमाम कानून बने। राज बनने के बाद आज 10-12 साल बीत जाने के बाद जब बहुमत में मोदी सरकार आई केंद्र में, और फिर हमारे राज्य में भी भाजपा की सरकार बनी, तो इन्होंने जो जमीन अधिग्रहण अध्यादेश लाया था 2014 में मोदी सरकार, और उसमें तमाम जो आदिवासियों के जो जमीन संबंधी जो अधिकार थे उनको खारिज कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ग्राम सभा को जो अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार को ख़त्म कर दिया गया था, और पूरी तरह से कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए रास्ता पूरी तरह से खोल दिया गया था। उसी के तर्ज में हमारे राज्य का रघुवर सरकार ने हमारा जो CNT एक्ट और SPT एक्ट था, जो हमारे आदिवासियों का, सिर्फ आदिवासी केवल नहीं, आदिवासी मूलवासी और तमाम जितने समुदाय जल जंगल जमीन के साथ जिनका जीविका जुड़ा हुआ है उनका एक सुरक्षा कवच है, उस सुरक्षा कवच को अमेंडमेंट करके वो तोड़ना चाहा। झारखंड में जिस तरीके से CNT एक्ट और SPT एक्ट में संशोधन किए गए, और उसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं किस तरीके से वो अलोकतांत्रिक थे, असंवैधानिक तरीके से वो संशोधन किए गए? अगर आदिवासियों का विकास की बात हो रही है तो आदिवासियों से पूछना चाहिए कि आपको इस एक्ट के रहते हुए क्या क्या कठिनाई हो रही है। आदिवासियों ने कभी नहीं मांगा कि इस एक्ट में आप इसमें संशोधन कीजिए। जब संशोधन करने के लिए उन्होंने अध्यादेश लेके आया, तब उस अध्यादेश का भी आदिवासी समुदाय ने विरोध किया कि ये अध्यादेश, ये अमेंडमेंट होने से आदिवासी समुदाय पूरी तरह से उजड़ जाएगा, और यहाँ का आदिवासी समुदाय केवल नहीं, पूरा किसान समुदाय उजड़ जाएगा। लोग मैंने उसको विरोध करते और उसको बिल को पास नहीं होने देते, इसीलिए उन्होंने असंवैधानिक तरीके से बिना बहस किए हुए एक तरफा उन्होंने निर्णय लिया, और उस निर्णय को अमल तक लाने के लिए उन्होंने हर हथकंडा को अपनाया और वो बिल को पास किया। तो ये जो संशोधन लाए गए हैं इन एक्ट में, इन दोनों कानूनों में, उनसे आदिवासियों के जीवन पर, उनके भूमि के अधिकार पर जो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे, अगर आप क्लॉज 71 में कहता है कि मैंने आदिवासियों का जो चिट करके लिया हुआ जमीन, मैंने उसको वापस किया जाएगा कंपनसेट करके। उसमें हम लोग बहुत पहले से मांग करते रहे, लेकिन उसमें अमेंडमेंट नहीं किया। अब वो आज भी मतलब उसको यथावत रख दिया है। 79 सेक्शन में ये था कि जमीन
सिर्फ दो पर्पस के लिए लिया जा सकता था, एक तो माइंस के लिए और एक इंडस्ट्री के लिए। बावजूद उसके आज़ादी के बाद आज तक 80,000 से ज़्यादा लोग मैंने विभिन्न परियोजनाओं के नाम से ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुके हैं। दो चीज़ के लिए ज़मीन लेने की बात कही गई थी तब, लेकिन आज की तारीख में अमेंडमेंट 79 सेक्शन में अमेंडमेंट करके उन्होंने पूरा क्षेत्र को खोल दिया है। आप किसी के लिए भी किसी तरह का पर्पस के लिए, आप या कंपनियों के लिए, या तो आप माफियाओं के लिए, या तो आप जिस तरह से भी ज़मीन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। यानी कि आप कोई बैरियर नहीं रहा है। आप झारखंड में आज की तारीख में विस्थापन का लड़ाई, विस्थापितों का लड़ाई भी मैंने बर्निंग इश्यूज है। आज जो विस्थापित हो चुके हैं, आज वो कहाँ पर हैं, जिंदा हैं, या तो उनका समाज कहाँ पर है, सरकार के पास भी कोई आंकड़ा नहीं है। सिर्फ वो आप रोड के किनारे बर्तन धोते हुए मिलेंगे, रिक्शा टांगते हुए मिलेंगे, और बड़े बड़े अट्टालिकाओं में वो मेहनत मजदूर करते हुए जूठन बर्तन धोते हुए आपको मिलेंगे। आप आगे जाइए कि 21 सेक्शन में जो अमेंडमेंट किया, उस सेक्शन में कहा गया था कि एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब इस अमेंडमेंट में किया है सेक्शन 21 में एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी आप नेचर में मतलब कन्वर्ट कर दिया है कि आप उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जब पहले मैंने एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ये जब बैरियर था, तब भी मैंने आदिवासियों का जमीन धाड़ले से लोग ले रहे थे और मैंने छल बल करके उसको नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे। अब जो ये कानून बनने के बाद कोई बैरियर नहीं रह गया है कि एग्रीकल्चर जमीन को मैंने वो सुरक्षित रखा जाए। और उसी में सेक्शन 13 जो SPT एक्ट का सेक्शन 13 में वही सेम चीज है, एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के ये आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 11,000 इन्वेस्टरों को बुलाया गया और 11,000 इन्वेस्टरों को बुलाया गया और 210 कंपनियों को सिर्फ दो दिन में उनके साथ एग्रीमेंट किया गया, और उसमें से जो MOU हुआ उसमें से 121 MOU सिर्फ इंडस्ट्री विभाग में हुआ और एजुकेशन में सिर्फ 8 MOU हुआ है। और आपका जो एजुकेशन विभाग में 8 का हुआ है, हेल्थ विभाग में 6 का हुआ है, एग्रीकल्चर विभाग में सिर्फ 1 का हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड की जो आबादी है 3.25 करोड़ की आबादी है, आपको विकास का रोड मैप तय करना चाहिए कि झारखंड में 3.25 करोड़ की जनता के लिए कितना अनाज की जरूरत है, कितना दूध का जरूरत है, कितना मांस का जरूरत है, कितना मछली का जरूरत है, कितना फल का जरूरत है, कितना शुद्ध हवा का जरूरत है, कितना शुद्ध पानी का जरूरत है। ये विकास का रोड मैप आपको तय करना चाहिए, लेकिन आपने वैसा नहीं किया और पूरे धरती को आप मैंने माइनिंग करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए छोड़ दे रहे हैं। ये अमेंडमेंट के बाद जो होने जा रही है ये सबसे खतरनाक होगा और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस मौजूदा केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा चुनावी नारा रहा था, सबका साथ सबका विकास। तो आपको लगता है कि जिस तरीके के काम कर रही है झारखंड में BJP की सरकार और केंद्र में BJP की सरकार, इस सब में आदिवासी दलित शामिल हैं कि नहीं? देखिए, सबका हाथ सबका विकास ये तो एक स्लोगन है मोदी सरकार का, लेकिन उनका सबका साथ मांग रहा है कॉरपोरेट से, सबका विकास की बात कर रही है सिर्फ कॉरपोरेट घरानों का। आज की तारीख में भारतीय संविधान में जो हमें अधिकार मिला है वो तमाम अधिकार छीन लिए गए। जिससे मैंने आज़ादी की बात हम कर रहे हैं, आज आज़ाद है जंगल जल जंगल जमीन को लूटने के लिए, तमाम हमारे जो भारतीय संविधान में जो अधिकार हमें दिए हैं अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार, वो तमाम अधिकार भी छीने जा रहे हैं, छीन लिए गए हैं। तब ऐसे समय में आप कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास। आज की तारीख में सबसे दुखद बात है कि आज मोदी सरकार तय करेगा कि हमें क्या बोलना चाहिए। मोदी सरकार ही तय करेगा कि हमको किधर जाना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, कौन सा धर्म मानना चाहिए, क्या नारा लगाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें सिर्फ सरकार तय कर सकती है। हम बैठकों में नहीं जा सकते हैं, अपने जंगल की बात नहीं कर सकते हैं, ज़मीन की बात नहीं कर सकते हैं, अपने भाषा संस्कृति की बात नहीं कर सकते हैं, अपनी मातृभूमि की बात नहीं कर सकते हैं। हम लोकतंत्र में जो अधिकार हमको मिला हुआ है सर्वधर्म की बात करते हैं। आज की तारीख में कोई भी मैंने दूसरे समुदाय
हिंदू धर्म को छोड़ के कोई भी दूसरा समुदाय अपना जाति धर्म की बात नहीं कर सकता है, तो किसके कैसे हम मानेंगे कि अपना सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है? वो सिर्फ कॉरपोरेट घराने के का हाथ उनको चाहिए और कॉरपोरेट घराने का विकास का एजेंडा को वो नारा के रूप में बोल रहा है, सबका साथ सबका विकास। आपने